सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं घंटे का बटन, जिससे आप पाएंगे और नई जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। सबसे पहले इस हाथ में फिंगर से स्टार्ट करना चाहूंगा, तो देख सकता हूँ कि फिंगर की यहाँ जो लेंथ है वो कुल मिला के लॉन्ग है पूरे हाथ के कंपैरिजन में। तो ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो एनालिटिकल होती है, मतलब कोई भी नया काम करने से पहले या फ्यूचर में डिसीजन लेने से पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं और मतलब अपना जो फ्यूचर में जो स्टेप होते हैं ये एक एक फूक फूक कर रखने वाले, इनकी थोड़ी सी प्रवृत्ति होती है। अदरवाइज़ यहाँ चर्चा किया जाए जो लिटिल फिंगर है इसकी लेंथ कुल मिला के ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँची है। तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों में अच्छी पाई गई है, वही स्पष्ट रूप से लोगों के सामने अपनी बात रखने वाले होते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ ज़्यादा दिख रही है, तो अपोलियन क्वालिटी इनके अंदर रहने वाली, मतलब सन की क्वालिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसे लोगों में कोई ना कोई एक बहुत अच्छा आर्ट होता है, अगर वो लोगों के सामने लाएँ तो बहुत अच्छा सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी जीवन में एक ना एक बार मिल सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो गैप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है इस प्रकार से, ये थोड़ा सा इनके जिद्दीपन को बता रहा है। ऐसे लोग थोड़े इंडिपेंडेंट अप्रोच रखने वाले होते हैं, मतलब खुले में जीना, स्वतंत्र जीना, ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, और वहीं थोड़े से जिद्दीपन भी ऐसे लोगों में पाया गया है। थोड़ा हाथ में देख पा रहा हूँ कि कट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो जब भी इस प्रकार के कट्स होते हैं तो थोड़ा इमोशनल सेटबैक ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है, मतलब लोगों से धोखा मिलने का चांसेस हो गया या फिर ऐसे लोगों का आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस प्रकार की थोड़ी प्रवृत्ति ऐसे लोगों में पाई गई है। और बचपन में भी कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं जो लाइफ टाइम थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं। तो पूरे हाथ में यहाँ पर रेखाएँ ज़्यादा हैं, तब भी मैं पूरा स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश करूँगा। लाइफ लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से निकलते यहाँ तक आया है, और एक अनदर जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ लाइन है वो इस प्रकार से जुड़ी है। तो तकरीबन यहाँ पर 60 से लेकर 65 के बीच थोड़ी सी जो है लाइफ में जो है एकदम से मुड़ाव आएगा और फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे या फैमिली के साथ गहरा अटैचमेंट हो जाएगा। तो यहाँ जो उम्र है वो भी तकरीबन मैं 80 प्लस आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। शुरुआती जीवन में इनकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा रहा है, क्योंकि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से द्रिप बने हुए हैं और कट्स भी ज़्यादा हैं मंगल की तरफ से। तो शुरुआती जीवन में कष्ट रहा है, लेकिन एक जो है प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकलती गुरु पर्वत पर गई है, और एक और यहाँ पर लाइन निकलते इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है। तो तकरीबन 20 एज के बाद से बहुत अच्छा प्रोग्रेस या स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं वो आया है। एक और लाइन यहाँ से निकलते हुए शनि पर्वत पर गया हुआ है, जो बता रहा है कि कोई ना कोई इच्छा पूरी होने के चांसेस रहेंगे 27 समथिंग एज के बाद। अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कट्स की, तो ये जो थोड़े कट्स हैं ये राहु की तरफ से हैं, कुछ मंगल की तरफ से हैं। ये जब भी लाइफ लाइन को काटते हैं तो उस एज में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी ज़्यादा होती है। तो ये जो एज है, एक तो मैं शुरू में बता दूं कि 18 एज के आसपास में था, फिर एक ये 22 समथिंग एज में, फिर राहु की तरफ से कष्ट था 24 समथिंग एज में, फिर 30 समथिंग एज में, देन 36 समथिंग एज में दिख रहा है, और एक और जो है 50 क्रॉस में आकर के दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है राहु के उपाय करना ज़्यादा ज़रूरी है। वही शुक्र की यहाँ चर्चा किया जाए तो शुक्र पे आड़ी रेखा थोड़ी अननेसेसरीज वरीज लाइन होती है, मतलब अनावश्यक चिंता, थोड़ा ज़्यादा सोचने विचारने के कारण या बात का बतंगर कर देने के कारण इस प्रकार की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा जो है मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज यहाँ जो सीधी खड़ी रेखा है वो अपॉर्चुनिटीज़ को बता रही है, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कुल मिला के अच्छी आएगी। साथ ही साथ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक लाइन जो है लाइफ लाइन के पैरेलल इस प्रकार से चल रही है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन कहा जाता है। ये एक प्रकार की सपोर्टिव लाइन होती है। देखा गया है कि ऐसे लोगों को दूसरों का, मतलब किसी न किसी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, कि जो इनकी जो ख्वाहिश है, अरमाने हैं, कोई ना कोई उसे ज़रूर पूरा करता है, जिसके कारण लाइफ को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है और किसी न किसी का बहुत अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ होता है। तो इस प्रकार की रेखा अच्छी मानी गई है। एक रेखा इस प्रकार से निकलते हुए जा रही है, इसे भी इसी में कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं ये लक लाइन देख पा रहा हूँ, तो ये लक लाइन इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ तक आया, तो तकरीबन 35 या 40 एज के बाद प्रोफेशन में एकदम से चेंजेस होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद एक अनदर लक लाइन जनरेट हुई है। केतु पर्वत यहाँ ठीक है, मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर चर्चा किया जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर भी एक से ज़्यादा रेखा विदेश यात्रा के बारे में मैं बता रही है, तो विदेश जाने का मौका अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ
वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से आते हुए अंदर की ओर मुड़ रहा है, तो फैमिली अटैचमेंट ज़्यादा रहने वाला है। माइंड लाइन की चर्चा की जाए तो माइंड लाइन यहाँ से निकलते हुए जो है चंद्र पर्वत तक यहाँ पर आ गया है, चंद्र पर्वत पे। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन स्किल ऐसे लोगों में ज़्यादा पाई है, वहीं थोड़ा सा ज़्यादा इमेज मतलब कल्पनाओं में ज़्यादा रहने वाले होते हैं। अदरवाइज माइंड लाइन लॉन्ग है तो लॉन्ग स्टडी अवेलेबल है और शार्प माइंड भी रहने वाला है। हार्ट लाइन की यहाँ चर्चा की जाए तो हार्ट लाइन इस प्रकार से निकलते हुए ऊपर की ओर एक रेखा गई है, एक सीधे जा रही है और एक जो है मंगल की ओर जा रही है। ये जो है मंगल का पर्वत होता है, तो ऐसे लोग ये जो है ट्राइडेंट यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, जिसका मीनिंग ये है कि पहले बता दूँ मैं इसका मीनिंग, ऐसे लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं जिसका गुरु पर्वत पे जाता है, वहीं सीधे जाने वाली रेखा प्रैक्टिकलिटी को बता रही है, मतलब अपने काम को लेकर के ऐसे लोग बहुत डीप में चल जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा सोचने जानने वाले हो जाते हैं। वहीं नीचे जाने वाली ये रेखा बता रही है कि थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव या फिर थोड़ा सा इरिटेशन वाला मामला रह सकता है, थोड़ा गुस्सेल ऐसे लोग होते हैं। गुरु पर्वत की यहाँ चर्चा की जाए तो गुरु पर्वत पे रिंग है जो दयालुपन को शो कर रहा है, मतलब ऐसे लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, दूसरों के ऊपर दया दृष्टि रखने वाले होते हैं और वहीं समाज में अच्छा खासा इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा भी हासिल करते हैं। शनि पर्वत पर भी सीधी खड़ी रेखा सेटिस्फेक्शन को शो कर रही है, तो सेटिस्फेक्शन लाइफ में भरपूर मिलेगा, शनि पर्वत ठीक है। सूर्य की भी चर्चा की जाए तो सूर्य भी जो है लाइफ लाइन के ऊपर से जनरेट हुआ है, तो 50+ एज में आकर के फेम पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ये जो रेखा काट रही हैं ये थोड़ा सा जो है पिता के द्वारा संबंध थोड़े से खराब ऐसे माना जाता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट में भी उतार चढ़ाव आ जाता है। बीच में ये जो रेखा है ये नॉलेज लाइन होती है, देखा गया है कि सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसे लोगों के पास नॉलेज अच्छा होता है। वहीं ये जो मरकरी है, मरकरी पे इस प्रकार से एक से ज़्यादा जो रेखा है ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है। ये बिजनेस एकोमोडेशन होता है, मतलब ऐसे लोगों में बिजनेस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि अगर ये बिजनेस में जाए तो अच्छा सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटी या फिर लोगों को अपने बात के द्वारा अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा प्रभावित करने की काबिलियत अच्छी पाई गई है। वहीं यहाँ जो सीधी रेखा इस प्रकार से गई है ये भी बिजनेस लाइन ही होती है जो बिजनेस के बारे में शो करती हुई दिख रही है। तो मेनली इन्हें जो है राहु के और थोड़े शुक्र के भी उपाय करना जरूरी है, क्योंकि शुक्र पर भी थोड़ा मुझे जो है जाला जैसा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की थोड़ी सी प्रवृत्ति इनको रहेगी, तो शुक्र के और राहु के उपाय करना यहाँ ज़्यादा जरूरी है। वहीं फिंगर पे जो है सीधी खड़ी रेखा भी फ्रेंडली नेचर को शो कर रही है, तो मिलनसार स्वभाव के रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और तकरीबन हर माहौल में ढलने वाले ये रहने वाले हैं।